नमस्कार दोस्तों, प्रवास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टार फिल्म आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है, लेकिन रिलीज होते ही फिल्म को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आदि पुरुष के किरदारों के लुक से लेकर उनके डायलॉग्स और VFX को लेकर भी दर्शकों का गुस्सा फूटा है। दर्शकों ने ओम राउत पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। अब ओम राउत के आदि पुरुष पर रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने रिएक्ट किया है। अरुण गोविल ने बॉलीवुड न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में आदि पुरुष को लेकर बातचीत की। इस दौरान एक्टर ने कहा कि रामायण हमारे एक कथा का विषय है और हमारे स्वरूप के साथ छेड़छाड़ स्वीकार नहीं है। अरुण गोविल ने इंटरव्यू में कहा, फिल्म की स्पेशल इफेक्ट की बात नहीं है, बल्कि यहाँ बात चरित्रों की सही तरीके से पेश करने की है और इसी को लेकर कई बातें कही जा रही है जो चिंता का विषय है। केवल इतना ही नहीं, अरुण गोविल ने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम सीता हनुमान को आधुनिकता और पौराणिकता के ढांचे में बांटना गलत है। अरुण गोविल ने आदि पुरुष में किरदारों के लुक्स को लेकर रामायण के सभी किरदार आदि है, अनंत भी है और इसके स्वरूप पहले से तय है, तो फिल्म में पात्रों को उसी रूप में दिखाने में क्या आपत्ति थी? मूल भगवान से छेड़छाड़ कर मेकर्स आखिर क्या साबित करना चाहते थे? अरुण गोविल ने ओम राउत और भूषण कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मेकर्स ने बच्चों के लिए फिल्म बनाई है तो एक बार उन्हें बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या ये उन्हें यह फिल्म पसंद आई है या नहीं। इसके अलावा अरुण गोविल ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि आदि पुरुष के कलाकारों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि फिल्मों में कास्ट का किरदार और स्वरूप मेकर्स द्वारा तय किया जाता है। अरुण गोविल ने यह भी कहा कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रामायण की मूल भावना को हमेशा बरकरार रखा जाए और इसके ओरिजिनल स्वरूप को छेड़छाड़ ना करें। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।